नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में। मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में थोड़ा जल्दी में स्टार्ट कर रही हूँ। दरअसल मुझे जाना है मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग मुझे करनी है, तो बस वही फटाफट हमें निकलना है क्योंकि शाम का टाइम है और बच्चे इस टाइम जिम्नास्टिक जाते हैं, तो उनके जाने के बाद ही मैं जा रही हूँ। और आज की शॉपिंग की खास बात यह है कि आज मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ। जब ना मैं इनके साथ जाती हूँ तो होता क्या है, जो सामान नहीं लाना होता वो आ जाता है और जो काम का सामान है वो रह जाता है। और कभी कभी ना क्या होता है कि कभी कोई सामान हमें पसंद नहीं आ रहा तो फिर ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हमने कर दिया, तो ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हमें लेनी पड़ जाती हैं। तो बस यही सब सोच के मैंने सोचा कि आज मैं मम्मी के साथ ही जाऊंगी। दरअसल मेरा और मम्मी का साथ में जाना इसलिए नहीं हो पाता कि बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो फिर वो आपस में झगड़ा करते हैं, अकेला छोड़ नहीं सकते। और इनके साथ में यही है कि जब ज्यादा शैतानी करते हैं तो इनसे उन्हें पिटाई लग जाती है। तो बस कभी मतलब मम्मी और ये जाते हैं, कभी मैं और ये जाते हैं, तो मतलब साथ में मेरा और मम्मी का कम ही जाना होता है। तो आज हम दोनों साथ में जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही हमें आना है उनके आने से पहले, तो देखते हैं क्या क्या शॉपिंग हमारी हो पाती है। हो गए मम्मी तैयार? चलो बस फटाफट उनके आने से पहले निकलना है। आज हम सास बहू मिलकर शॉपिंग करेंगे, पति देव को लेके जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना शॉपिंग में। मतलब जो चीज पसंद नहीं आ रही ना तो फिर ऐसे देखते हैं जिसे पता नहीं कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, चीजें पसंद नहीं आ रही है। हाँ बस ले रही है, तो आज हम उन्हें लेके नहीं जा रहे और वीडियो उनके पास शूट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बुराई भी चल जाएगी। चलो लॉक कर लेते हैं। बैग ले रही हूँ मैं और चप्पल वप्पल थोड़ा कम्फर्टेबल सी पहनना, चलते हैं। तो आज तो लॉक भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे आने से पहले हम यहाँ पर मुजफ्फरनगर में गोल मार्केट है, हमने वहाँ पे भी ट्राई किया लेकिन जैसे लोअर और टी शर्ट मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। और आज हम घर से सोच कर आए थे कि जो चाहिए वो ही लेकर आएंगे, अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं फिर आ जाएंगे। तो बस यही करके हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना हर टाइप के कपड़े मिलते हैं और वैरायटी भी हर तरह की होती है, तो हम यहीं से पसंद कर रहे हैं। एक ही कर लेती हूँ, बाकी ऊपर देख लेंगे है ना। ये इसमें कलर आप देख लो, इसे मतलब पिंक सा कलर हो या ब्लैक हो, इस वाले में ब्लैक कितना ब्लैक हो, ये भी इनका फैब्रिक थोड़ा ये है पिंक टी शर्ट से मैच कर। मम्मी पूरा टाइम लेंगी इनके लिए लेने में, इतना मेरे कपड़ों में नहीं लगाया टाइम। अच्छा जब फाइनल हो जाए तब बता देना, इसी साल ले लो। इतनी देर सारी शॉपिंग में नहीं लगाई जितना इसमें लगा रही हो। शेरवानी लेने में कितना टाइम लगाया था फिर? चलो हो गया फाइनल। 4625 और जी सर कैसे हो? हो गई ना भैया शॉपिंग, आज अपनी मर्जी की है हमने। और एक ना पूरा मार्केट फेल करके जब यहाँ से किया है, लेकिन जैसा चाह रहे थे वैसा मिल गया। और अब चलते हैं रिक्शा की तलाश में, बच्चे आ चुके हैं घर पे, अब जाके उनका रिएक्शन देखना है क्या करते हैं। चल रहे हैं घर की ओर, जैसा सोचा था ना।
ना कि बिल्कुल जो चाहिए होगा बिल्कुल वो ही लेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे। तो एक ही फायदी शॉपिंग हमने की है, बिल्कुल जो चाहिए बिल्कुल वो एक सामान भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो बस अब जाते हैं घर पे, सारा काम हम बीच में ही छोड़ के आएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था और बच्चे घर पे पहुँच चुके हैं, फोन आ चुका है, तो बस फटाफट पहुँच रहे हैं। देखियो सीएम लगाई क्या कर कहाँ गई थी, रोने की आवाज आ रही है। देखते हैं खोलो गेट। ओम रो रहा है क्या? हाँ जी नहीं, हमें तो लगा था कि उनकी पिटाई लग गई। क्यों भाई? हमें तो लगा था उनकी पिटाई लग गई। ओ आइसक्रीम, अरे वाह, हमारे लिए नहीं लाए तो बच्चों की तो आइसक्रीम आ गई है, हमारे लिए लेके आए। अभी आए थे बेटा, अभी आए हो? चलो कपड़े चेंज नहीं किए ना, फैन चलाया, बस आइसक्रीम खाने में मस्त हैं दोनों। अरे हम तो चला ही देंगे, शॉपिंग तो हो गई लेकिन सारा काम फैला पड़ा है, अब लगते हैं काम पे। पहले तो मम्मी चाय बनाए हैं, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। आ गए किचन में और फटाफट हमें बनानी है आज आम की सब्जी, खटाई बोल देना इसको। तो मैंने अभी तक नहीं बनाई, हमेशा मम्मी बनाते हैं, तो आज मम्मी से पूछ पूछ कर मैं ही बनाती हूँ। तो इसके लिए हमने जो कच्चा आम है उसको काट के रखा हुआ है ना हमने, और इसमें प्याज भी डाल देना। हाँ मैं इसे भिगो रखी है, थोड़ी सी मेथी मैंने भिगो दी थी, बोलो इसको अच्छे से। मेथी क्यों भिगोई वैसे? मेथी ना भिगो के सॉफ्ट हो जाती है तो मैंने भिगो दी थी, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि उनका सुबह एग्जाम है, उसका रिवीजन नहीं हो पाया। हम मार्केट चले गए थे तो खाना तो चाहे बाद में कर लेगी, सब्जी बन जाएगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। अभी तो पूरा किचन में फैला पड़ा है, तो सबसे पहले मम्मी ने इसमें ऑयल डाल दिया है और प्याज भी डालते हैं, हमने प्याज भी करेगी, हींग डालनी है। खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, खाई तो मैंने बनाई नहीं है। जीरा और ये मेथी है ना, सबका ना अपना अपना टेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है धनिया, धनिया पाउडर और मम्मी सौंफ भी डलती है ना, सौंफ पाउडर सब सौंफ नहीं डलती, ये खाते नहीं है साबुत है ना, डलती तो हल्दी और लाल मिर्च। अरे हमारे इसमें तो कैमरा आई नहीं रहा, एक मिनट ठीक करती हूँ। आ गया कैमरा, ठीक नहीं आता, बस हम ही दोनों दिखाई देते हैं, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं। मिर्ची डाल दी है, सब तो आ रहा है ऐसे करके मैं भी आ जाती हूँ, किम कर दूँ कैसे ना, और नमक भी डलेगा जो वो ना आम थोड़ा थोड़ा पक जाता है उसकी ज्यादा अच्छी बनती है, उसे थोड़ा गाढ़ी सी हो जाती है। और ये आम डाल दिए हमने पानी के साथ, मम्मी बना रही मेरी बनाई मैं देख रही हूँ। और शक्कर कब मिलेगी इसमें? तो पानी तो हमने मतलब अपने हिसाब से डालना है ना, पूरा गाड़ी से ना। और अभी ये पानी, बस पानी भी गल गया और अब इसमें शक्कर, शक्कर तो अपने हिसाब से जितना भी मतलब है मीठा खाना होता है। मीठी अच्छी लगती है, हमारा तो आज कैमरा सेट नहीं बैठ रहा, कभी कुछ कभी अच्छा। इतनी शक्कर, शक्कर ये शक्कर डाल दी है, गुड़ भी डाल सकते हो? हाँ गुड़ भी डालो, शक्कर डालो और चीनी, चीनी चीनी। भूख भी कर रहा है खाने से, अब तो भूख
चीनी लगा ही नहीं। चीनी के चीनी चीनी के चीनी हो गया। तो ये कुछ हो गई है इस तरीके से। ठीक है, तो कितने की सिलाई हुई इसमें? तीन चार। चलो तब तक हम ना ओम का होमवर्क कर, जिसका रिवीजन है उसका का होमवर्क। क्या बेटा? शक्कर मम्मी, शक्कर खिला लेना। तो इसको बनने में कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे ना हमें। तो जब तक ये बनता है तब तक मैं ओम का होमवर्क करा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग करके लाए हैं। तो अब मैं जाके ओम का फटाफट रिवीजन कराती हूँ कि कल उसका एग्जाम है और आज भी एग्जाम था, बीच में कोई भी छुट्टी नहीं थी, तो इस वजह से फटाफट मुझे उसका रिवीजन कराना है। चलो ओम का रिवीजन भी हो गया और सिया का होमवर्क भी। और बीच में मैं गैस बंद कर गई थी क्योंकि ये जो खटाई है ये बन गई है। और फ्रेंड्स, ये जो नमक की रोटी के साथ खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, तो जब ये खटाई बनकर तैयार हो गई, अब ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं खाएंगे, कल काम आ जाएगी, अब थोड़े नमकीन जमे बना लो। तो बस अब मैं नमकीन जमे बना लूँगी और इसको खाली करके रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से लगती है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर ये इस तरह से ना बनती हो, लेकिन एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, खट्टी मीठी सी काफ़ी टेस्टी ये लगती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो थोड़ी सी शॉपिंग मैंने की है वो। तो फ्रेंड्स, जब भी हम शॉपिंग करके आते हैं तो फिर ऐसे ही बैठ के इकट्ठे देखते हैं और आज इनके बिना हमारी शॉपिंग थी, हमने एक पूरा मार्केट फेल कर दिया, फिर दूसरे आज कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं था, वरना ऐसे कहेंगे तुम्हें पसंद ही नहीं आता, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आता। लेकिन हम भी जो हमें लेना था ना वही लेके आए। ये सबसे ज्यादा मतलब सारी शॉपिंग एक तरफ तुम्हारा ये उसकी बात ना कितना मजा ही करी, तो कह रहा वो जी बहुत अच्छा अपना जो मतलब बोल सके 3 साल से पहले मम्मी कह रही 3 साल से ये ओम भैया की है। और इस बार ना सबसे अच्छी देखो मैं नेल पॉलिश लाई हूँ, ये देखो कितने प्यारे प्यारे कलर है, एक दिखाती हूँ कम आ रहा है कलर, अलग से ध्यान देना, अलग से दिखा दे, बड़ा सुंदर सा कलर है ये। क्या आपकी कौन सी? ये तो नहीं आपकी है, अरे नहीं लो, आप तो मेरे साथ ही लगाती हूँ। और एक लिपस्टिक है ये, ज्यादा मतलब वो ये कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाए, बस जो चाहिए था वो। अरे एक प्रसाद, वहाँ पे भी तो गए थे ना, मंडे था शिव, इसलिए तो मिल ये बताओ ये कैसे है? देखिए इतनी पतली तो नहीं हो, इतनी पतली हूँ मैं कपड़ा तो नहीं फंस जाएगा, इतनी पतली हूँ मैं दुकान वाला कह रहा है इतनी पतली हो आप, नीचे से कट वाले नहीं आ रहा नीचे, ये मिला एक ही मिली है, ये वाला प्रिंट में देख के सुंदर लगा। अच्छा ये ना हमें देख के सुंदर लगी, तो ये तो मतलब जो सबसे पहले उसने दिखाई ना ये वो ही थी, उसके बाद जो कट वाली थी ना ये थी, ये इतनी थोड़ा सा कट रहा था, तो एक ये है और खाओ ये दे, और ये लावर बोल रही है, हां बोल रही है,
मतलब जो आ रहे थे ना बाकी वो ऐसे नीचे से ना बहुत छोटे छोटे थे, वो मुझे नहीं लेने थे, इसको चाहिए था वो ही लेना था। नहीं हो रही है चाय, ये देखो ये और एक ये देखो एक ये, तो बस वैसे ज्यादा कुछ नहीं मुझे लेना था लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था। और क्या लिया है बस और तो कुछ नहीं, पहन के दिखाते तो मैं कभी दिखाती रहती कभी चैन मिलेगा। ये कह रहे कि तुम्हें आएगा नहीं है आज स्टंट लगा लो ये कह रहे हैं कि तुम्हें आएगा नहीं, मैं भी इनको पहन के दिखाती हूँ। अब फंस तो जाएगा ही, कराना कहते हैं बस तो यही करने में सकता है और क्या। और यार कपड़ा आया और आज ही ये फटने को तैयार, फटने में इसमें नीचे से यहाँ से साइड से खुली नहीं है इसलिए थोड़ा यहाँ से टाइट लग रही है, वैसे ठीक है नहीं चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलो ये वाली और देख लो, ये तो ठीक है। ये यहाँ से खुली है ना, ये ठीक है इसके लिए। अब उसमें उठने बैठने में कोई दिक्कत होने लगी, इसका वो भी अच्छा लग रहा है, इनका ही आइडिया ठीक रहा है, टाइट है उसका। तुम्हें प्रिंट ही अच्छा लग रहा है, हाँ ये फैब्रिक भी इससे ज्यादा अच्छा है, तो अच्छी लगी वो, अच्छी लगी तो उसको तो मैं चेंज कराऊंगी, बोल के आई अच्छा लग रहा है। चलिए तो बस तो फ्रेंड्स गप्पा करती हूँ यहीं पर एंड। ये भी ना तो मेन चीज, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी जाओ इसके बिना तो आते ही नहीं आते। पाँच ये पाँच की नहीं है, चालीस का है ये, 40 का है ये, 25 का है। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग, अब एक बार फिर जाया जाएगा चेंज करने के लिए, तो हो सकता है साथ में एक आधा फिर कुछ आ जाए। तो ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बताओ व्यस्त रहे मस्त रहे टेक केयर बाय 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 बाय, तो कर दो सर बाय बाय, मस्त तुम ना व्यस्त रहते ना मस्त रहते।